चलिए अब इस तरफ चलते हैं और इस तरफ की अपडेट भी देंगे साथ के साथ। करकटा स्टेशन के पास वो आप देख सकते हैं, वो 152D है जो कि अम्बाड़ा की तरफ चला जाता है। रेल चलने की बात भाई पता ही आपको, मार्च तक स्टार्ट हो या फरवरी के लास्ट तक। थोड़ी और आगे चलेंगे और उसके बाद उस स्टेशन से थोड़ी उस साइड भी चलेंगे, वहाँ की भी थोड़ी अपडेट देंगे। इसके नीचे से हालांकि लाइन जा रही है, यहाँ हालांकि इतनी हरियाली नहीं है बिल्कुल भी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। पुनीत रोहिला ब्लॉग चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो अभी आए हैं दोस्तों खरकड़ा के रेलवे स्टेशन पर, और खरकड़ा रेलवे स्टेशन पर जो भी आज की अपडेट होगी वो देंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं खरकड़ा के स्टेशन पर और आपको देते हैं आज की अपडेट। चलिए भाई चलते हैं अंदर खरकड़ा स्टेशन के अंदर। तो ये भाई स्टेशन का इंटीरियर, हालांकि हरियाली पूरी है एकदम, और बिल्कुल स्टेशन ऐसे मतलब ओल्ड स्टेशन के रूप में बनाया हुआ है ये। चलिए चलते हैं अंदर। लो भाई ये बुकिंग विंडो, हालांकि अभी ओपन नहीं है। लो भाई ये आपका खरकड़ा स्टेशन का इंटीरियर, और वो आपका 152D ओल्ड स्टेशन के रूप में ही बनाया हुआ है ये भी। हालांकि 21/5 पर है खरकड़ा का स्टेशन। तो चलिए उस तरफ चलते हैं थोड़ा। तो भाई लाइट की व्यवस्था बताएं तो लाइट की भी अच्छी व्यवस्था की हुई स्टेशन पर इस टाइम, और बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है, शेल्टर वगैरह लगाए हुए हैं। एक ये रहा और एक शेल्टर वहाँ है और एक उससे अगले। और अगर इलेक्ट्रिक पोल की बात करें तो भाई इलेक्ट्रिक पोल में फिनिशिंग और ब्रैकेट्स लगाने का जो काम है वो भी यहाँ पर कंप्लीट है खरकड़ा के स्टेशन पर। आगे चलेंगे और इसके साथ ही दोस्तों 152D भी लगता है खरकड़ा स्टेशन के पास, वो आप देख सकते हैं, वो 152D है जो कि अम्बाड़ा की तरफ चला जाता है। अम्बाड़ा नारनौल का जो 152D है यहीं से निकल रहा है वो, इस लाइन के नीचे से खरकड़ा स्टेशन की तरफ। ये देख लो भाई शेल्टर में एक कुर्सी हालांकि टूटी हुई है भाई, इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है यार बैठने की, फिर भी यार तोड़ रखी है, पता नहीं क्या बात है, अपने आप टूटी है पता नहीं सकते। और आगे चलेंगे थोड़ा। और अगर खरकड़ा की बात करें, बड़म्बा और खरकड़ा के बीच में नहीं लगा, हालांकि वो काम चल रहा है। और जब बात हुई हमारे उनके ठेकेदार से, वो बोल रहे थे कि भाई 15 फरवरी तक वो काम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि जल्दी वो काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसमें इलेक्ट्रिक पोल लगेंगे। हालांकि 2 से 3 किलोमीटर में बता रहे हैं वो, इसके बाद में तो हालांकि काम कंप्लीट है, 2 से 3 किलोमीटर में ही है वो रास्ता जहाँ पर फाउंडेशन अभी तक बन रही है, धीरे धीरे वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और रेल चलने की बात भाई पता ही आपको, मार्च तक स्टार्ट हो या फरवरी के लास्ट तक या फरवरी के मिड में, वो देखने वाली बात होगी। अगर कोई उससे रिलेटेड कोई अपडेट भी होगी तो हम अपने चैनल पे आपको डालते रहेंगे साथ की साथ कम्युनिटी पोस्ट में। तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस साइड देख सकते हैं आप ब्लास्ट डाले हुए हैं यहाँ पर, हालांकि ओल्ड स्टेशन के रूप में बनाया है ये स्टेशन। ये भी और बलम्बा वाला स्टेशन भी ओल्ड स्टेशन है, और एक बाबू अकबरपुर का स्टेशन है वो भी ओल्ड स्टेशन है। हालांकि उसके बाद जो हांसी मैम रोहतक रेल लाइन जहाँ रोहतक की तरफ से स्टार्ट होती है, तो वो पहला क्रॉसिंग स्टेशन डोब वाली आएगा, यहाँ से लगभग यहाँ से अगला स्टेशन मोखरा मदीना, और उसके बाद फिर बैनी अकबरपुर, और उसके बाद फिर डोब वाली स्टेशन आएगा। लो भी हालांकि यहाँ पर सारा कुछ काम कम्प्लीट है, बस OHB वायर डालने का जरूर काम रहता है, बाकी सारा कम्प्लीट है। लो भाई ये लास्ट पॉइंट है खरकड़ा स्टेशन का, इससे आगे फिर आप बलम्बा की तरफ चले जाएंगे जो कि 29 किलोमीटर पर बलम्बा का स्टेशन आता है। सारे काम कंप्लीट है हालांकि, और ये कुछ गांव की तरफ चला जाता है ये रोड। और आगे जो आप देख रहे हैं दोस्तों वो है आपका 152D जो कि नारनौल अम्बाड़ा वाला जो रोड है वो है वो।
लो भाई बस यहाँ पर है ये खरकड़ा स्टेशन का लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है इसका। इसके आगे भी थोड़ा देंगे आपको अपडेट, कुछ काम होता होगा वो भी बताएंगे, वो भी दिखाएंगे, या कुछ और होता होगा तो वो भी दिखाएंगे। 21:08 पे है अभी इस टाइम। लो भाई ये गांव वैसे बसाणा की तरफ जा रहा है, बसाणा गांव की तरफ। हालांकि एक चीज़ हमने नोटिस की थी, यहाँ पर जब बारिश आएगी तो यहाँ क्या हाल होगा ये देख सकते हैं आप। इस ओवरब्रिज के अंदर इतना पानी है, अभी बारिश आई है थोड़ी एक दो दिन पहले। तो भाई इसके लिए भी भाई थोड़ा रेलवे को थोड़ा सोचना चाहिए कि लोगों को भी प्रॉब्लम ना आए सड़क मार्ग, जो सड़क मार्ग से जाते हैं। बाकी भाई खरकड़ा स्टेशन का आप की अपडेट दे रहे हैं आज आपको, थोड़ी सी आगे भी चलेंगे। तो भाई स्टेशन से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे भी फाउंडेशन और इलेक्ट्रिक पोल्स रिलेटेड सारे काम हमको कंप्लीट दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। हाँ हालांकि OHB वायर डालने का काम अभी यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है खरकड़ा स्टेशन से, जो कि बहुत जल्द हो जाएगा स्टार्ट, क्योंकि बहू अकबरपुर की साइड बता रहे हैं भाई स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो वहाँ पे देखेंगे जब हम कुछ अपडेट दे सकते हैं, ऐसे किसी दूसरे कहने पे अपडेट नहीं दे रहे आपको, खुद जाएंगे जब ही वहाँ से अपडेट दे पाएंगे आप लोगों को। और हालांकि एक पटरी भी रखी हुई है यहाँ पर पिछली, जो कि अभी तक उठाई नहीं गई है। इक्कीस नौ पर आ चुके हैं अब। और भाई यार आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हम लगभग दो दो तीन तीन किलोमीटर आगे जाके आपको अपडेट देते हैं, लेकिन आप फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जो आसपास के गांव, जैसे हम खरकड़ा हैं तो खरकड़ा का कोई भाई देख रहा है या मैम का कोई भाई देख रहा है, तो उसको भाई चैनल सब्सक्राइब उसको शेयर जरूर कर दें वीडियो को, ताकि आसपास के लोग उस वीडियो के थ्रू उनको अपडेट मिलती रहे साथ के साथ। तो भाई आपको सारे काम कंप्लीट मिलेंगे इलेक्ट्रिक पोल से रिलेटेड, OHB वायर का काम को छोड़कर बाकी दूर दूर तक। और ये आसपास गांव में जाने आने का रास्ता, हालांकि ये रास्ता नहीं है वैसे, वो है रास्ता जो आपको वो दिख रहा है। थोड़ी और आगे चलेंगे और उसके बाद उस स्टेशन से थोड़ी उस साइड भी चलेंगे, वहाँ की भी थोड़ी अपडेट देंगे। एक किलोमीटर आ चुके हैं अब खरकड़ा स्टेशन से, 22 पर यानी कि 23 पे है वो। और भैया हालांकि एक इसमें अभी तक ब्रैकेट नहीं लगाई हुई इस पोल में, खरकड़ा स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम बड़म्बा की तरफ। और भाई यहाँ पर अभी एक पोल में अभी नहीं लगी, वो भी शायद जल्दी लग जाएगी। और वो आपको देख, वो ट्रक देख रहे हैं आप, वो 152D का रोड है और नीचे से इसकी हांसी मैम रोड तक रेल लाइन जा रही है 152D के पास से, और एक वो अलग ही पुल है नदी पर। चलिए अब इस तरफ चलते हैं और इस तरफ की अपडेट भी देंगे साथ के साथ। तो भाई ये देख सकते हैं आप, ब्रैकेट कितनी नीचे लगाई हुई है, डबल डबल ब्रैकेट लगाई हुई है। हालांकि पीने के पानी के लिए यहाँ पर हेडपम्प जरूर लगाया हुआ है खरकड़ा के स्टेशन पर भी। और आगे चलते हैं और भाई ये देख सकते हैं आप कितना बिल्कुल हरियाली आपको दिखेगी आसपास स्टेशन के। आगे चलते हैं, बैठने के लिए एक बनाई हुई जगह। हालांकि उससे आगे अगर उससे आगे वैसे तो मोखरा मदीना का स्टेशन है, लेकिन जो OHP वायर है डालने का काम, वो हालांकि यहाँ पे भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। इक्कीस पे है, हालांकि जो मोखरा मदीना का स्टेशन है वो 17 पे है, कुछ 17 पॉइंट कुछ पर, और ये बुलम खरकड़ा का स्टेशन 21 पर है अभी। और उसके बाद 6 किलोमीटर आगे जाएंगे,
6 या अराउंड 5 किलोमीटर, तो फिर बहू अकबरपुर का स्टेशन आ जाएगा उसके बाद। और फिर उसके बाद आगे 6 किलोमीटर जहाँ से हाँसी मेम रोहतक रेल लाइन रोहतक की तरफ से स्टार्ट होती है, तो वो स्टेशन है डोब वाली का, तो वहीं से निकलती है रोहतक की तरफ से लाइन। ये बिल्कुल नीचे लगाए हुए है यहाँ पर ब्रैकेट में, हालांकि इसकी अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, सिर्फ डाल डाल रखा है ये। लो भी, हालांकि इसकी बात करें शेड की, तो 3 से 4 शेड बनाई हुई है यहाँ पर, और स्टेशन में है हालांकि ये 3 से 4 शेड जरूर बनाई हुई है पैसेंजर के लिए, ताकि पैसेंजर आराम से धूप वगैरह में बच, धूप भी ना लगे और बारिश वगैरह हो तो बारिश भी ना लगे उसको। चलिए आगे चलते हैं। लो भी एंडिंग पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं इस स्टेशन के। और आगे भी हमें इलेक्ट्रिक पोल्स रिलेटेड सारे काम कंप्लीट है, सिर्फ OHB वायर के काम को छोड़कर। ये देख सकते हैं आप लाइन वाइज दूर तक आपको ये पोल लगे हुए मिलेंगे यहाँ। ये करकड़ा का बिल्कुल लास्ट में, थोड़ी सी आगे चलेंगे बस यहाँ से, वहाँ की भी अपडेट देंगे। इक्कीस एक पर पहुँच चुके हैं। यहाँ लगी इतनी हरियाली नहीं है बिल्कुल भी, यह लगी पता नहीं क्या बन रहा है यहाँ पर। और भाई पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो भाई आगे तक आपको देख रहे हैं आप, लगभग सारे काम कंप्लीट है OHB वायर का डालने का काम को छोड़कर, बाकी वो अपडेट भी हम आगे स्टेशन पे जाके देंगे। तो भाई यही था आज के व्लॉग में, उम्मीद आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, सो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो जय हिंद, जय श्री श्याम।